आइसोटॉप्स। आइसोटॉप जो वर्ड है बेटा उसको डिस्कवर करने वाले सॉडी हैं। सॉडी ने बताया था, याद रखना SODY, सॉडी। ठीक है, सॉडी इज योर साइंटिस्ट जिन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में बताया था। तो आइसोटॉप्स हैं क्या? आइसोटॉप्स, ठीक है, मैंने बोला बेटा क्लोरीन, क्लोरीन सेम एलिमेंट है, दोनों ही सेम है बेटा। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा दोनों का? सेम। ठीक है, मास नंबर इसका कितना है बेटा? 35। इसका कितना है? 37। इसी तरह से मैंने लिया बेटा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 1 1 1। क्लियर? आपको अच्छे से नजर आ रहा है, मैं कार्बन भी ले सकती हूँ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 6 6 6। आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा है कि क्लोरीन क्लोरीन सेम है, हाइड्रोजन 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 सेम है, कार्बन 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 सेम है ना, ऑल आर सेम। दैट मींस आइसोटॉप्स, मैं कह रही हूँ ये एक आइसोटॉप का पेयर है, ये एक पेयर है, एक ये पेयर है। तो यहां से डेफिनेशन से एक चीज तो क्लियर होगी कि ये एटम्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्योंकि ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन सेम है बेटा, हाइड्रोजन 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 सेम है, कार्बन 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 सेम है, तो सेम एलिमेंट के होते हैं पहली बात एटम्स। क्लियर होगी बात? जिनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर आपको नजर आ रहा है डिफरेंट, बट मास नंबर या डिफरेंट मास नंबर। तो दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स जिनके बेटा एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम, लेकिन मास नंबर क्या होंगे? अलग होंगे। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में बताने वाले कौन थे बेटा? सबसे पहले सॉडी। किसने बताया था सबसे पहले? सॉडी। वो आता था ना एक कार्टून, आया नॉडी, नॉडी लेके अपनी कार, वो नॉडी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? सॉडी है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आइसोटॉप्स के बारे में किसने बताया था? आपके सॉडी ने बताया था। ठीक है, इसके बारे में एक दो चीजें देखते हैं। अगर मैं E by M रेशो की बात करूं, अलग आएगी या सेम? E का मतलब होता है बेटा चार्ज, चार्ज का मतलब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम। लेकिन M, M क्या है? मास। यहाँ पर मास कितना है? 35, अलग आएगा। यहाँ पर 37, तो अगर मैं 4 क्लोरीन निकालूं, ध्यान से देखिए, E कितना है बेटा यहाँ पर? 17 बाय 35, और दूसरे में कितना निकलेगा? 17 बाय 37, तो क्या दोनों सेम है? ऑफ कोर्स नहीं, बोथ आर नॉट सेम। तो E बाय M रेशियो फॉर आइसोटॉप्स हमेशा क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्लियर होगी बात? तो E बाय M रेशियो इज डिफरेंट ऑलवेज फॉर योर आइसोटॉप्स। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके सेम है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सेम है बेटा जी, चार्ज क्या है यहाँ? सेम। अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए बेटा, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। जब चार्ज सेम है तो मैं कह सकती हूँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। दीज आर दोज एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? सेम होती है, बट आपकी बोलो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया, 1 किलो चीनी और 5 किलो चीनी, उबलने में टाइम क्या लगाएंगी? अलग अलग लगाएंगी। तो मास से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी यहाँ पर? डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? दीज आर ऑल अबाउट योर आइसोटॉप्स। उसके बाद बात करते हैं बेटा आइसोबार्स के बारे में।
आइसोबार्स के बारे में एस्टन ने बताया था बेटा, साइंटिस्ट थे आपके एस्टन, उन्होंने आइसोबार्स के बारे में बताया। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये लिया के, इजी ले लो पहले। कौन कौन से याद कर चुके हो आप लोग? कैल्शियम का 40 और आर्गन का 40, टेंथ में भी किया है, तो वही ले लो पहले, उसके बाद एग्जाम्पल और बताएंगे। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है? आर्गन 18 और कैल्शियम, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके, क्या आर्गन और कैल्शियम आपको दोनों सेम नजर आ रहे हैं? बोलो। यहाँ पर आप KR भी लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन भी यूज हो सकता है, उसका भी 40 होता है ना। यू कैन ऑल्सो यूज KR, 40 होता है उसका भी, उसे एटॉमिक नंबर 19 होता है। यू कैन ऑल्सो यूज दैट। आपको यहाँ दिख रहा है KR, AR, कैल्शियम, तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग है ना। तो एक बात क्लियर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? डिफरेंट। बोलो मास नंबर क्या है? सेम। और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ये बात याद रखनी है। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं। यहां पर एटम्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के, जिनका मास नंबर क्या है बेटा? सेम। और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। इनकी E by M ratio and all आप कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे? ऐसे अच्छा अगर करना चाहे तो सेम आएगी या अलग आएगी? अलग आएगी। चार्ज अलग है बेटा यहाँ पर, 19, 18, 20। तो E by M मैंने क्या बोला? चार्ज by मास बोला। चार्ज यहाँ पर डिफरेंट है बेटा, फॉर ऑल एटम्स चार्ज क्या है? डिफरेंट। अगर आपका चार्ज डिफरेंट है तो आपका E by M रेशियो सभी के लिए क्या होगी बेटा? डिफरेंट। क्लियर। उसके अलावा प्रॉपर्टीज की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या आएंगी? अलग अलग, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। तो साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी इसकी? डिफरेंट। ये भी डिफरेंट और आपका E by M भी डिफरेंट। उसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, यू कांट कंपेयर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एटम ही अलग अलग है बेटा। आप गधों को घोड़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, तो यू कांट कंपेयर हेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ आई? तो दैट मींस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बेटा सभी एलिमेंट्स की। जो आपके एटम्स होते हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ई बाय एम रेशियो डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है? डिफरेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर आइसो